यूपी के शाहजहांपुर जिला प्रशासन में पेंशन घोटाले का बड़ा खुलासा किया है। यहां विभाग और बैंक की मदद से स्वर्ग में पहुंच चुके लोगों को पेंशन भेजी जा रही है, साथ ही शादीशुदा महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही थी। फिलहाल जिला प्रशासन में 87 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अपनी बेहतर कार्य प्रणाली के लिए पहचाने जाने वाले जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद जिले के भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जिलाधिकारी को लगातार पेंशन के मामले में फर्जीवाड़े की शिकायत मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर जब जिलाधिकारी ने जैतीपुर ब्लॉक में कड़ाई जांच कराई तो यहां पेंशन में फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा हो गया। जिला प्रशासन की माने तो जैतीपुर ब्लॉक में मृत लोगों को पेंशन उनके खातों में पहुँचाई जा रही थी। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को भी विधवा पेंशन दी जा रही थी। खास बात यह थी कि मृत लोगों के खातों में पेंशन पहुंच रही थी और बैंक की मिली भगत से उन खातों से पैसा भी लगातार निकाला जा रहा था। मामले को गंभीर देखते हुए जिला प्रशासन में 87 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस मामले में बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस खुलासे के बाद समाज कल्याण विभाग और घोटालेबाजों में अफरा तफरी का माहौल है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये वृद्धावस्था पेंशन में ये जांच कराने पर जैतपुर ब्लॉक में ये निकल के आया है, मृतकों के खातों में पेंशन दी जा रही थी। इससे पहले भी उसी ब्लॉक में FIR कराई गई थी, उसमें संबंधित लिपिक की अरेस्टिंग हो गई है। और इस बार क्योंकि ये दोबारा मामला पकड़ा गया तो इसमें जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं उनका और बैंक वालों के इन्वॉल्वमेंट भी ऐसा लगता है कि मृतकों के नाम से किस प्रकार धनराशि निकाली जा रही है, तो बैंक मैनेजर का भी इन्वॉल्वमेंट प्रमेय लगा है, तो इनके विरुद्ध भी इस बार FIR दर्ज कराई गई है।